हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया फोर। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ प्रिज्म। तो जब मैं कह रही हूँ प्रिज्म, आई एम रेफरिंग टू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ये क्या होता है, आइए बात करते हैं। तो ये होता है वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ ग्लास। वेज शेप मतलब वी शेप, वी की शेप का। सो वेज शेप्ड पोर्शन किसका, ऑफ ग्लास या कोई भी दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और इसके क्या होते हैं, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, सॉरी टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस, जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं। कैसे, एट अ सर्टेन एंगल। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी जब हम फर्दर बात करेंगे तो हम इसकी डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिर जब हम देखते हैं कि एक प्रिज्म रियल लाइफ में दिखता कैसा है, तो अगर हम प्रिज्म को साइड से देखते हैं, साइड व्यू बात करें, तो प्रिज्म हमें दिखता है कुछ ऐसा दिखता है हमें प्रिज्म है साइड व्यू। और अगर हम प्रिज्म को ऊपर से देखते हैं तो हमें प्रिज्म कैसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अपर व्यू प्रिज्म का ऐसा होता है, साइड व्यू प्रिज्म का ऐसा होता है। पर अगर हमें कोई भी रे डायग्राम में प्रिज्म दिखाना हो तो हम बस एक ट्राइंगल से प्रिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। डायग्राम में हम प्रिज्म को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस प्रिज्म को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करते हैं। तो पहली टर्म है रिफ्रैक्टिंग फेस। तो रिफ्रैक्टिंग फेस क्या होता है, और देखिए आपको ये फेसेस दिख रहे हैं, ये जो आगे वाला और ये जो पीछे वाला है। क्लैरिटी के लिए मैं इसको थोड़ा लेबल कर देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ। तो अब इधर रिफ्रैक्टिंग फेसेस आपको दिख रहे हैं, ये ए सी एफ डी ये वाला और ए डी ई बी ये पीछे वाला, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ये वो प्लेन फेसेस है इस प्रिज्म के जो सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन है। तो हम कह सकते हैं दैट रिफ्रैक्टिंग फेसेस प्लेन फेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर। अगर इस केस में हम देखें एडीएफसी ये वाला एडीएफसी, और कौन सा है, ये पीछे वाला ए बी ई डी। तो ए बी ई डी, और इस केस में देखते हैं तो इस केस में क्या है, अगर हम इसको एफ वन माने और इसको एफ टू माने, तो ये एफ वन और एफ टू है रिफ्रैक्टिंग फेसेस। तो थोड़ा डिटेल में देखें तो ये होंगे रिफ्रैक्टिंग फेसेस, और इस केस में कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। तो इस केस में है F1 F2, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, ये एज पे मीट कर रहे हैं, ये वाला एज AD जो है, ये एज होता है रिफ्रैक्टिंग एज। तो रिफ्रैक्टिंग एज, तो ये क्या होता है, एज, या हम कह सकते हैं अ लाइन, कि एज का मतलब ही होता है लाइन, अ लाइन एट विच टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस मीट। तो इस केस में कौन सा है रिफ्रैक्टिंग एज, एडी। इस केस में रिफ्रैक्टिंग एज कौन सा है, इस केस में रिफ्रैक्टिंग एज है ये,
दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज, और इस केस में ये है एडी, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिंग एज. अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टर्म. तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये एक, हमने देखा कि दो तो रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है, और हमने बात की रिफ्रैक्टिंग एज की. अब आप देख सकते हैं एक तीसरा, कि तीसरा एक नीचे फेस है इसका, BCFE. इसे हम कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म. तो बेस ऑफ प्रिज्म, तो अगर बेस ऑफ प्रिज्म पूछा जाए तो क्या होता है? बेस ऑफ प्रिज्म इज थर्ड फेस, और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे रिफ्रैक्टिंग एज के अपोजिट साइड पे है, तो अपोजिट टू व्हाट? रिफ्रैक्टिंग एज. इस केस में द बेस इज BCFE. तो इस डायग्राम में लेबल कर देते हैं, दिस इज बेस ऑफ प्रिज्म. अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टर्म. तो देखिए, अब ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं हमारे, ये एक इस एंगल पे इंक्लाइन है. ये एंगल क्या होता है? दिस एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म. इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, और मोस्ट कॉमनली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ए लिख के. तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है? वी कैन से एंगल ऑफ प्रिज्म इज एंगल एट विच टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, यहां कहते हैं टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर इंक्लाइंड. इस केस में हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? एंगल बी ए सी. ये तो एंगल बी ए सी, तो वी कैन से दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. तो एंगल ऑफ प्रिज्म, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. तो वी कैन से दैट दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब इतना ही होता है एक प्रिज्म में. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रिज्म क्या होता है, तो आप लिखेंगे वेज शेप पोर्शन ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिंग फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल. फिर आप एक सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिव फेसेस, जो कि इस केस में है एडीएफसी और एबीईडी इस केस में, और F1 और F2 इस केस में, प्लस टू ट्रायंगुलर फेसेस जो इस केस में है एबीसी और डीईएफ, प्लस इसमें होता है एक बेस, वन बेस. ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब इसमें एक और नाम होती है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, तो इसकी भी बात करते हैं. प्रिंसिपल सेक्शन, तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज सेक्शन ऑफ प्रिज्म कट बाय परपेंडिकुलर. कोई भी प्रिज्म का सेक्शन जो कट हो रहा है बाय अ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन. तो एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म कट बाय परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिव एज इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं दैट एनी साइड ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज इज नोन एज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. हम ये भी कह सकते हैं सेक्शन ऑफ प्रिज्म वेयर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. ठीक है,
तो फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, तो अब इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारा ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब इस पे हमने एक लाइट रे इंसिडेंट की, ये सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? पाथ लॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स इन द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम इस केस में है एयर। अब देखिए ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास में, यानी ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। तो ये बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल हुई ये परपेंडिकुलर, तो अब ये बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल कुछ इस तरह से। अब देखिए ग्लास से इधर बाहर एयर में जा रही है, तो ग्लास है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एयर है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये है नॉर्मल, ये है, तो अब ये बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह से। तो अगर हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करें कुछ इस तरह से, और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें इस तरह से, तो अब ये इस एक पॉइंट पे मीट कर रही है। लेट्स मेक इट क्लियर। तो अब ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट है M। तब यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिंबल को हम कहते हैं डेल्टा। ये सिंबल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रिज्म में क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में आप देख सकते हैं कि अब इसके दोनों ये जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है ये पैरेलल है। अगर आप इन्हें आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ये मीट नहीं करेंगे, ने अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तब भी ये मीट नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होगी। हमने एक लाइट रे इंसिडेंट की, ये हुई इंसिडेंट रे। अब ये एयर से ग्लास में जा रही है ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हुई नॉर्मल, ये चला गया कुछ ऐसे, पर जाना चाहिए था ऐसे। अब देखिए ग्लास से अब एयर में जा रहा है ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल हुई ये, तो ये जाएगा कुछ इस तरह से ऐसे। तब इधर आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो इमर्जेंट रे है जो बाहर आ रही है ग्लास स्लैब के, ये पैरेलल है हमारी इस इंसिडेंट रे के, इसके बीच में बस थोड़ा सा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बनता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग स्पेसेस है ग्लास स्लैब के वो पैरेलल है, इसीलिए ये जो इंसिडेंट रे है वो भी इमर्जेंट रे के पैरेलल है। और इसी से क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। और क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों बनते हैं, तो ये ग्लास स्लैब की जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है ये पैरेलल होते हैं। तो एग्जाम में ये भी मन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्शन बाय ग्लास प्रिज्म एंड अ ग्लास स्लैब। तो आप लिखिएगा, इन अ ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे
meet at a point और बनाती है angle of deviation. और meet कैसे करती है point पे? अगर incident ray को आगे की तरफ extend करें और emergent ray को पीछे की तरफ extend करें तो ये parallel नहीं होती है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो prism है हमारा उसके refracting faces parallel नहीं है. In fact वो तो एक angle पे inclined होते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कुछ यहाँ पे लोकेटेड है एंगल ए. पर इस ग्लास स्लैब में क्या है? इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे के पैरेलल है क्योंकि ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिंग फेसेस भी पैरेलल हैं. तो फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ दैट वाज ऑल, बट जाते जाते मैं आपकी एक कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ जो शायद आपको कि प्रिज्म और पिरामिड सेम होते हैं. तो अगर आप इसे सोचते हैं तो ये गलत है, इनमें डिफरेंस होता है. ओनली सिमिलैरिटी इज कि दोनों 3D शेप्स हैं. 3D शेप्स क्या होती हैं? उस लेवल 2D शेप्स डिस्कस करते हैं, टू डायमेंशनल शेप्स जिनकी बस लेंथ और ब्रेथ हो. फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एक्सेट्रा. अगर हम उन्हें हल्का सा उठा दें उनमें थर्ड डायमेंशन आ जाएगी हाइट, तो ये होती है 3D शेप्स, थ्री डायमेंशनल शेप्स. तो बस प्रिज्म और पिरामिड 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, ये सिमिलैरिटी है. बाकी इनमें से एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ. पिरामिड में बॉटम पे एक शेप होती है डिफरेंट, बाकी सारे ट्रायंगल होते हैं. प्रिज्म में क्या होता है? ऑन आइदर साइड देयर इज अ कॉन्ग्रुएंट सेम शेप और बाकी के रेक्टेंगल होते हैं. वैसे तो एक ही डिफरेंस है, और भी डिफरेंस होते हैं, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.